एलोवेरा जेल में बस ये दो चीजें मिलाकर लगाएं, चेहरा हमेशा टाइट और ग्लोइंग दिखेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो स्पेशली स्किन टाइटनिंग के लिए है। अगर आपको भी समय से पहले रिंकल्स, फाइन लाइंस या फिर बहुत ज्यादा लूज स्किन की प्रॉब्लम है तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करके जरूर देखें। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी। पहले आपको कच्चे दूध यानी रॉ मिल्क की जरूरत होगी। दोस्तों, कच्चा दूध जो होता है हमारी स्किन की क्लींजिंग करता है, साथ ही साथ स्किन पर कसाव लाने का काम करता है। ऐड करें इसके अंदर 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध। उसके बाद आपका सेकंड इंग्रेडिएंट है गाइस, जो कि मैंने यहाँ पर यूज किया है, केसर। उर्दू में जाफरान और इंग्लिश में इसको सैफरन बोलते हैं। ये कोस्ट में थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन स्किन के लिए बहुत अमेजिंग होता है। थोड़ा सा कच्चे दूध के अंदर ऐड कर देना है गाइस। अगर थोड़ा सा दूध हल्का गर्म होगा तो ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि वो जो केसर होगा वो अच्छे से उसमें घुल जाएगा। उसके बाद आप ऐड करें इसके अंदर एलोवेरा जेल। देखिए, अगर आपके पास मार्केट वाला जेल है और आपके पास टाइम भी नहीं है तो आप मार्केट वाला जेल यूज कीजिए, क्योंकि इसको यूज करना बहुत आसान होता है। लेकिन मैं यहाँ पर नेचुरल जेल इसलिए यूज कर रही हूँ बिकॉज इसके बेनिफिट्स बहुत होते हैं। एलोवेरा जेल के अंदर काफी अच्छे प्रॉपर्टीज होते हैं, काफी विटामिन होते हैं, स्किन को टाइट बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एलोवेरा जेल डाल देने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। जब ये सॉल्यूशन आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा गाइस, ये बिल्कुल लाइट केसर कलर का आपको दिखेगा। ये पैक आपके लिए बहुत जबरदस्त है। तो दोस्तों, इसे लगाकर आपने बहुत अच्छे से जेंटली मसाज करना है अपने स्किन को। आप फेशियल मसाज स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। इसको एटलीस्ट 3 से 4 मिनट के लिए मसाज करें एंड देन आप अपने चेहरे को वॉश कर लें। बहुत ही सिंपल रेमेडी है, जरूर से ट्राई करें। वीक में 3 से 4 बार 5 बार यूज कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। सो आई होप यू ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। सो इस छोटी सी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।